हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चे बैठी, कैसे हो आप सब? ऑल वेल, मजे में, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे चैप्टर नंबर 14। ये रहा हमारा 14 नंबर का चैप्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले तो इजी है, दूसरी बात इसका मार्क्स का वेटेज भी ज्यादा है, तीसरी बात इसके सम्स तो एकदम मान लो आ ही गए, अभी से ही आपको समझ में आने वाले, क्योंकि फॉर्मूला ही 4-5 है, जब आएगी तब सोचेंगे, अभी तो आराम से चलने तो थियोरी पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझा रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड कहां से आया? तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स वर्ड था, उसका यूज किया गया। पहले के डिवाइसेस बहुत बड़ी बड़ी साइज वाले हुआ करते थे, उसके अंदर थोड़ा बहुत ओम्स लो के हिसाब से काम करना पड़ता था। ओम्स लो का मतलब पता है ना बच्चों, V is equal to IR। तो इसकी बात ये बन जाती है V is proportional to I, मतलब जैसे V इंक्रीज I ऑटोमेटिकली इंक्रीज, जैसे I इंक्रीज वैसे V ऑटोमेटिकली, मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अभी दोनों का कंट्रोल नहीं था तो ऐसे डिवाइसेस नहीं बनाए जाते जो ऐसे काम करे, वोल्टेज इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज तो वोल्टेज इंक्रीज, ऐसा नहीं बना सकते थे वो टाइम के ऊपर। 90s के अंदर वो टाइम के ऊपर वैक्यूम ट्यूब बनाई, राइट, वैक्यूम ट्यूब बनाई। क्या है वो वैक्यूम ट्यूब बच्चों? ग्लास का ऐसा ट्यूब जैसा होता है, राइट, यहां से उसको सील कर दिया जाता ताकि अंदर की एयर जो है ना उसके साथ में इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन ना हो, और कोलाइजन होने से इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा और कुछ नया रिजल्ट मिलेगा, राइट, डिस्चार्ज ट्यूब जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए अंदर की पूरी एयर बाहर निकालनी, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप बोलते हैं। तो वैक्यूम पंप से पूरा एयर बाहर निकाल दिया। अभी उसके अंदर की अरेंजमेंट अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां पर एक फिलामेंट होता है, यहां पर एक प्लेट होती है, एक को एनोड दूसरे को कैथोड बोला जाता है। फिलामेंट को गर्म करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कहां पे सीखा बताइए मुझे ऐसा? चैप्टर नंबर 11, 3 types are there बाय विच वी कैन टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल। नंबर 1 थर्मियोनिक एमिशन, बस वही मेथड हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। कौन सी वाली मेथड? थर्मियोनिक एमिशन। गर्म किया जाता है फिलामेंट को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड जैसा लेयर भी लगा सकते हैं। क्यों? बिकॉज विथ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट ऑफ इट, पहली बात। दूसरा क्या था? फील्ड एमिशन था, आएगा यही चैप्टर में। तीसरा क्या था बोलिए बोलिए बताइए, तीसरा था प्यारे बच्चों जल्दी से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो वो चैप्टर में बहुत डिटेल में अच्छे से कंप्लीट किया हम लोगों ने, सही बात ना? ओके, अभी क्या कर रहे हैं? नाउ इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट ऑफ इट, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। सो ये बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना कहां पर है? तो प्लेट के ऊपर। तो यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट के ऊपर पहुंचना है। So here there are total 2 terminals, total 2 controlling points. One is the filament and other one is this collector plate. One is anode, other one is called the cathode. That's why it is known as the diode. इसका नाम दिया जाता था diode. 2 terminal थे ना, that's why this device is called the diode. मतलब ये part है device. हो गई बात ऐसे? Now उसके आगे की हम लोग अगर डिस्कशन करें तो उसमें क्या है? इसका नाम दिया जाता है, मैंने क्या बताया? डायोड बोला। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचते, अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी मैकेनिज्म दी जाए ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके, फिर से कंट्रोल कर सके, तो वहां पर हम लोग ऐसी कोई एक ग्रिड लगा सकते हैं। बच्चों ग्रिड का मतलब तो समझते हो ना, मैश। मैथ्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, ऐसे वायर से बनी हुई है और इसको ऐसे रख देना यहां पर। सो इफ आई प्रोवाइड सम पॉजिटिव पोटेंशियल टू दिस प्लेट,
अगर मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया देन इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट ऑफ इट एंड दे आर रीचिंग द प्लेट वेरी इजीली. सो कम वोल्टेज हायर करंट, कम वोल्टेज हायर करंट. अगर यही प्लेट को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल डाल दिया तो इसका पोटेंशियल हायर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, वो भी कंट्रोल, राइट. सो हायर वोल्टेज लो करंट, हो गया कि नहीं हुआ कंट्रोल. यहां पर तीन टर्मिनल आए तो ऐसी ट्यूब को नाम दिया जाता था ट्रायोड. और एक कंट्रोलिंग पार्ट यहां पे लगा दिया, अभी चार हो गए, टेट्रोड और एक लगा दिया तो उसको क्या नाम दे सकते थे, पेंटोड, राइट. ऐसे बनाए जा सकते, क्लियर. इसको कई बार वाल्व भी बोला जाता था, वाल्व, जैसे पानी के लिए सिंगल साइड फ्लो होना और वापस नहीं भेजना तो वाल्व स्ट्रक्चर वहां पर होता है. जैसे सपोज वायर है तो दोनों साइड में करंट इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन यहां पर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द वाल्व स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वाल्व स्ट्रक्चर, क्लियर बात. लेकिन इसकी तीन चार लिमिटेशन थे. नंबर वन, फर्स्ट लिमिटेशन, द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लिटिल बिट हायर. इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज थोड़ा ज्यादा था, 100 वोल्ट के अराउंड में, थोड़ी तकलीफ होती है. दूसरा उसका साइज, साइज बड़ा था, इसीलिए तो आपको मालूम है ना कि फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था उसकी साइज क्या बनाई थी, वो बोलते थे रूम के साइज जैसी थी. रूम कितनी साइज का था वो नहीं बताया था, लेकिन रूम के साइज नॉर्मल, राइट. तो वो बहुत बड़ा कंप्यूटर, मतलब सर्किट बड़ी थी. अभी तीसरी बात, इसकी रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब उसका कंपोनेंट जो है वो फिजिकली ज्वाइन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई द रिलायबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लेस. पूरा इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती. तो ये सब दिक्कतें वहां पर थी. डे बाय डे बाय डे साइंटिस्ट सोचते रहते, हम, मैं और आप नहीं कुछ सोचते, एक ही काम पढ़ो और पढ़ाओ. वो लोग उससे आगे बियॉन्ड दैट सोचते. वहां पर वो टाइम के ऊपर ट्रांजिस्टर बनाए उन लोगों ने. जैसे इसका मतलब बताया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, वैसे इसका भी नाम है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर बनाया. इसकी साइज मैंने बताई आपको 5-6 सेंटीमीटर और ये डायमीटर 1-2 सेंटीमीटर. इतनी साइज वाला डिवाइस वहां पर था और ये ट्रांजिस्टर हार्डली 2-3-4 मिलीमीटर. सोचिए मिलीमीटर की साइज, बहुत कम साइज होती है ना. तो यहां पर साइज रिडक्शन भी हुआ, दूसरा उसकी कॉस्ट बहुत बहुत डाउन लेवल पे थी, बहुत डाउन लेवल पे थी. और वो सब आज आप देख रहे हो, आज आप देख रहे हो कि कैसे 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 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दाम क्लियरली नीचे आते जाते, राइट. सो धीरे 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 एडवांस लेवल का भी यहां पर रिसर्च हुआ और ये सब हम लोग देख सकते हैं. जैसे पहले एलसीडी स्क्रीन आया था, उसके बाद में एलईडी स्क्रीन आया, पता है ना, मोबाइल में. तो ये सब देन किसकी है, ये सब देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की है. उसी की वजह से हम लोग एक दूसरे को अभी राइट नाउ मिल रहे हैं. मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो ना, बस वही बात है. टेलीविजन, एलसीडी, एलईडी सब कुछ है. पहले के जमाने में ये सब डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट और कोई वजह से और कोई तरीके से ऐसा कुछ ट्रैप करने का ट्राई करते थे. वो टाइम के ऊपर मेटल के साथ में कोई एक पर्टिकुलर लेड सल्फाइड का एक लेयर, गैलिना उसका नाम है, उसका लेयर, उसका पॉइंट कांटेक्ट बना के वो लोग रेडिएशन को मेजर करने का, मतलब रेडियो वेव को मेजर और ट्रैपिंग करने का काम करते थे वो टाइम के ऊपर. ये सब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी. गैलिना वर्ड याद रखना है, उसका कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, लेड सल्फाइड, PBS, राइट. ये चैप्टर में करने क्या वाले, हम लोग ये चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर डालेंगे, उसके बाद में प्योर सेमीकंडक्टर, उसके बाद में इंप्योरिटीज वाले सेमीकंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर से डायोड बनाएंगे, एलईडी बनाएंगे, सोलर सेल, ये सब कुछ बताना समझाएंगे आप लोग के कैसे काम करते हो, उसके बाद में ट्रांजिस्टर और उसके बाद में लॉजिक सर्किट्स, बस चैप्टर ओवर, राइट. वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द मैटर, नॉट मेटल, मैटर इनटू थ्री पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के हिसाब से उसको तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले. नंबर वन इज द मैटर,
मेटल की रेजिस्टिविटी क्या हो सकती है आपको पता है बच्चों, 10^-2 to 10^-6 ओम मीटर, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। देन आफ्टर सेमीकंडक्टर इज देयर, वो सेमीकंडक्टर रो, तो उसका बात करें तो हम लोग 10^-5 to 10^-6 ओम मीटर कितना हो सकता है। देन आफ्टर इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या है, सो उसकी रेजिस्टिविटी रो है 10^11 to 10^16 ओम मीटर। अभी रेजिस्टेंस और उसके साथ में जुड़ा हुआ वर्ड रेजिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी बन सकता है, सिर्फ 1/ρ इट इज इक्वल टू सिग्मा। अगर मैं इसकी बात करूं सो 1/10^-2 तो ये हो जाएगा 10^2। तो यहां पर सिग्मा कंडक्टिविटी बोला जाए तो कंडक्टिविटी होती है 10^2 to 10^6 सीमेन मीटर माइनस, यूनिट क्या है सीमेन मीटर माइनस वन यहां पर। सो ये हो जाएगा सिग्मा दैट इज 10^5 to 10^-6 सीमेन मीटर माइनस वन। यहां पर देखा जाए सिग्मा तो 10^11 to 10^-16 सीमेन मीटर माइनस वन। हो गई बात यहां पर एकदम से क्लियर एंड कट। तो ये सब बातें समझने के बाद हमारा पूरा ये चैप्टर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर और कहीं पर भी नहीं है। कहां पर, सेमीकंडक्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, ये पूरे चैप्टर में इसके ऊपर काम करने वाला है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा बहुत समझाने का ट्राई करते हैं कि क्या है और कैसे। राइट, डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, नंबर वन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल का मतलब होता है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर। दो ही नाम लिखे हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ज्यादातर यूज होते हैं वो, बाकी बहुत सारे प्योर में मिलेंगे। दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और उसके तीन पार्ट है इनऑर्गेनिक, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड ऑर्गेनिक, एंथ्रेसिन, डॉक्टर थैलोसाइनेस। राइट, तो अभी ये डॉक्ट का मतलब क्या है, डॉक्ट का मतलब होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज डाल दी है, इसका मतलब होता है डॉक्ट। राइट, देन दिस इज द थैलोसाइनेस। राइट, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये ऑर्गेनिक है लेकिन पॉलीमर नहीं है, आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का नॉलेज है इसीलिए डिटेल में नहीं जाते, फिजिक्स में वैसे भी डिटेल में नहीं जाना इसके अंदर। देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर ये है पॉलीपाइरोल, देन ये है पॉलीएनिलीन, एंड दिस वन इज पॉलीथियोफेन। तो ये सब खाली नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, कोई बार शायद एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको आना चाहिए। राइट, तो ये सब बेसिक था टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर के लिए। अभी डिटेल में जाना है कि ये चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करना है, पहले बेसिक और उसके बाद में कॉलेज में जाओगे तो ये सब एडवांस लेवल आएगा, चिंता मत करिए वो भी सीखना पड़ेगा आपको, है ना। ओके, सो नाउ ये बेसिक से आगे चलते हैं, और सॉरी बेसिक के लिए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। राइट बच्चों, दो वर्ड से आप थोड़े बहुत अवेयर हो, नंबर वन बेंड एंड नंबर टू बॉन्ड। सो यहां पे दो वर्ड बॉन्ड एंड बेंड, BOND, एंड दूसरा वर्ड है BAND। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सो बॉन्ड का मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, बॉन्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, दो एटम्स जोड़ने के बाद जो बनता है उसको नाम देते बॉन्ड। बैंड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं उसी के हिसाब से उसका पिक्चराइजेशन एनर्जी के हिसाब से करने के लिए थोड़ी बहुत इजीली आपको समझ में आए बातों को, इसीलिए बैंड स्ट्रक्चर समझाया जाता है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थियरी, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा है ना, फिजिक्स में भी है। So, according to the Bohr theory,
you can say that this is the nuclei, around it electrons are revolving. अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन करते रहते हैं, राइट, ऐसे अलग अलग, और उसकी एनर्जी भी उसी के हिसाब से चलती रहती है. बट इफ वन एटम इज ज्वाइंट विद द अदर एटम विथ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो मेटलिक हो, चाहे वो आयनिक हो या मॉलिक्यूलर, कोई भी बॉन्ड हो, तो यहां से उसकी जो रोटेशनल मोशन होती है उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पहले के जैसा नहीं है. सो इफ वन एटम इज ज्वाइंट विद द अदर एटम विद सम टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, देन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस आर देयर नॉट एज इट इज एज बिफोर, एंड ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो रोटेटिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस. अकॉर्डिंग टू दैट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डिफरेंट, इट इज ऑल्सो अ रोटेशनल मोशन बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड्स. उसी के हिसाब से हमको एनर्जी बैंड का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है. नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द फाइनल लास्ट ऑर्बिट्स आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द कंसेप्ट इज लिटिल बिट चेंज, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस आर considering here as the valence electron, and these valence electrons are always in the bond condition, bonding condition, मतलब जुड़ा हुआ है किसके साथ में, nucleus के साथ में, otherwise उसको energy मिले तुरंत बाहर निकल जाएगा. तो वो जो bond बनाते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे, valence band नाम देंगे, right? Bond की बात नहीं कर रहे, वो जो energy level बनाएगा उसको नाम देते हैं हम लोग valence band, right? So, यहां पर मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं सेमीकंडक्टर का, राइट. सो हियर दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर द वैलेंस बैंड. सो दिस इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड. जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल में है उसके अकॉर्डिंग ये बनता है. दिस इज द टॉप लेवल, अराउंड इट नीचे के जो लेयर्स है आप लोग ऐसे बना सकते हैं, लेयर्स की जगह पर आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो. And you know very well, each energy level, each orbit has the maximum occupancy of the two electrons. So by this way, you can say that there are some electrons, right? Now, this electron will automatically not come out of it. अपने आप बाहर नहीं निकलता है. उसको थोड़ी बहुत energy चाहिए. So here, valence band के ऊपर थोड़ा gap मिलता है, जहां पर कोई energy level होता ही नहीं है, कोई energy level होता ही नहीं है. उसके ऊपर ऐसा एनर्जी लेवल बनता है और ये एनर्जी लेवल को हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड. इसको नाम दिया वैलेंस बैंड, इसको नाम दिया कंडक्शन बैंड. द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, बिटवीन दिस टू देयर इज अ गैप एंड दिस गैप इज कॉल्ड ईजी. ईजी इज कॉल्ड द एनर्जी गैप. तो ये बना स्ट्रक्चर फॉर ऑल द टाइप ऑफ मटेरियल, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, कोई भी हो, आप ऐसे समझा सकते हो. फिर से एक बार, दिस इज द एनर्जी लेवल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द बॉन्डिंग कंडीशन, बॉन्ड का मतलब जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियर. इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑटोमेटिकली नॉट कम आउट ऑफ इट, इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहे चाहे वो बाहर रहे, जब तक यहां पर है वो यहां पर है, बाहर निकल गया मतलब यहां पर आ गया, राइट. एंड दिस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, एंड बिटवीन दिस टू देयर इज अ एनर्जी गैप. उसका दूसरा नाम भी है फोरबिडन गैप, दूसरा नाम फोरबिडन गैप, राइट. एंड हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये एक्सिस के ऊपर हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे, राइट. सबसे बॉटम मतलब न्यूक्लियर के एग्जैक्ट बाजू वाला, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये मिलने लगेगा. यहां पर कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, यहां पर पहुंच गया मतलब इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल. नंबर वन इज इन द केस ऑफ मेटल, नंबर टू दैट इज इन द केस ऑफ द व्हाट, नंबर टू दिस इज द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर, नंबर थ्री इज द टाइप ऑफ द इंसुलेटर, दैट्स इट. तो ये बातें समझानी है, वो पूरे डिटेल में समझनी है, दो मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको कंपलसरी
मतलब कुछ ना कुछ इसके बेसिस के ऊपर आपको मिलने वाला है. सो राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो नंबर वन, सबसे पहली बात मैं अगर करूं तो मेटल की करूं. सो इन द केस ऑफ मेटल, राइट, इन द केस ऑफ मेटल्स यू नो वेरी वेल, इन द केस ऑफ मेटल दिस कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर जस्ट ओवरलैप. मतलब ये इसके अंदर आ गया है. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसीलिए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये मेटल का रॉड है कॉपर का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, उसको कोई एनर्जी जरूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी वो घूमने लगते हैं, राइट. इसीलिए उसका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है उसकी ओवरलैपिंग हो गई है. फिर से क्या हुआ है, उसके अंदर ओवरलैपिंग हो गई है. सो इन द केस ऑफ मेटल इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर देन इट इज लाइक दिस. नॉर्मली ऊपर क्या होना चाहिए, कंडक्शन बैंड, नीचे क्या होना चाहिए, वैलेंस बैंड. लेकिन यहां पर ये ईवी है और ये ईसी है मेरे प्यारे बच्चों. ईवी मतलब वैलेंस बैंड ऊपर है, कंडक्शन बैंड नीचे है. इन बिटवीन दिस टू यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, राइट. तो ये सब है हमारे पास में, करेक्ट. सो दिस इज द केस ऑफ द व्हाट, मेटल. तो यहां पर ये सब इलेक्ट्रॉन्स आप यहां तक देख सकते हो, बहुत सारे नीचे भी होंगे, चिंता मत. So this is the structure of the metal according to the band theory. Band का मतलब मैंने समझाया energy band की बात कर रहे हैं. Now specially we are discussing about the silicon. Silicon का discussion करते हैं. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं semiconductor. Now semiconductor में आपको मालूम है मैं समझाने वाला हूं silicon. So silicon का atomic number है 14. अब ये 14 एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 2 = 14. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो. वैलेंस तो सभी को बोलेंगे, नीचे आने वाले सभी. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं. तो यहां पर उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो आप केमिस्ट्री के हिसाब से बोल सकते हो कि सर एस ऑर्बिट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पी ऑर्बिट तो उसके 3 पार्ट पड़ते हैं ना, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, हर एक के अंदर 2 2 2, तो टोटल उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी, 6. तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8. So 6 + 2 that is equal to 8. तो ऐसे यहां पर मेरे पास कितने लेवल बाकी रहेंगे, तो मेरे पास 4n लेवल बाकी रहेंगे. कितने ऑक्यूपाई किए हुए मिलेंगे, 4n. n मतलब what, numbers of atoms. सिलिकन के कितने एटम्स ले सकता हूं मैं, n. So out of all this n atom I have 4n level which are filled with the electrons and this 4n level which are completely empty, right. तो यहां पर वही डायग्राम, यही वाला डायग्राम फिर से मैं रिपीट करके आपके लिए समझा रहा हूं, राइट. अगेन ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो लेवल यहां पर बताने वाले हैं वो ये है. सो दिस आर द एनर्जी लेवल्स, ओके, यू कैन से एनर्जी बैंड. नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. इसको छोड़ के आए, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, वाल इन द केस ऑफ वैलेंस बैंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड, राइट. सो दिस इज ईवी एंड दिस इज ईसी एंड दिस वन इज कॉल्ड ईजी. क्या नाम दिया, एनर्जी गैप. क्या नाम दिया, फोरबिडन गैप. एनर्जी गैप, दूसरा नाम फोरबिडन गैप. In the case of semiconductor, this energy gap is less than 3 eV. मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, स्पेशली इसकी बात करते हैं क्योंकि इसके अंदर ये है. सो स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, लेस देन 3 eV. मॉडरेट है, मिल जाता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा आया गया मिल जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर. ये सब क्या दिखा रहे हैं हम लोग, एनर्जी लेवल. इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, बैंड स्ट्रक्चर. सो एनर्जी बैंड ऐसा नाम देते हैं, करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है,
इंसुलेटर्स। चीज तो वही रिपीट करनी है, चीज तो वही रिपीट करनी है बच्चों, ये वाला राइट। देन हियर दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन बैंड एंड हियर देयर इज अ वैलेंस बैंड। सो दिस इज ईवी एंड दिस इज ईसी। कुछ डिफरेंट डायग्राम में समझ आ रहा है कि यहां से यहां क्या डिफरेंट चीज बताई है मैंने? आप तुरंत बोल दोगे सर ये गैप और ये गैप, बस वही मेन डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है राइट। सो हियर दिस एनर्जी गैप इज ईजी एंड दिस इज ग्रेटर देन 3E। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर जिंदगी बिता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों, खाना पीना कुछ नहीं, आराम से घूमते रहो न्यूक्लियर के आसपास में, जिंदगी निकल जाए राइट। ऐसा कुछ नहीं है, नॉन लाइव एलिमेंट से इसीलिए। सो यहां पर एनर्जी गैप बड़ी होती है एंड द इलेक्ट्रॉन विच विल नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकते, या तो एटम के साथ में जुड़ सकते हैं या तो वो फ्री हो सकते हैं। बीच में मतलब ऐसा नहीं चलो देख लेते बाहर जाके क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं राइट। सो दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट इंसुलेटर्स। अभी आप सोचो कि इसको थोड़ा एनर्जी हम लोगों ने दिया तो क्या हो सकता है, इफ वी प्रोवाइड सम एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो सकता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। फिर से दिस इज द स्ट्रक्चर बैंड एनर्जी लेवल इट इज पॉसिबल एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। सो ऑल सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर एट जीरो केल्विन। जीरो केल्विन के ऊपर वो इंसुलेटर बन जाता है। ओके, अभी मुझे क्या समझाना है आपको, अभी मुझे वही बात समझानी है। सो एट नॉर्मल कंडीशन यहां पर ऑल दिस कंडक्शन बैंड गेट्स फिल्ड एंड हियर दिस ऑल गेट्स हियर लाइक दिस, ये हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इलेक्ट्रॉन यहां पर है राइट, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ इफ आई ओके, उसके बाद में this is the valence band and this is the conduction band right। if i provide some energy to this one, isko maine energy de di to kya hoga mere pyare bachcho, samjhata hu okay। so yahan se energy, this is ev and this is ec, if i provide energy to this silicon then ye electron yahan se nikal gaya tata bye bye kahe। तो कहां तक पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन, पहुंच गया इधर तो ये गैप खाली हो गए। ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चला जाएगा राइट। ये गैप जो है वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन फिलअप करके बाहर आ सकते हैं राइट, यहां से यहां पर ये, क्योंकि सबको एनर्जी दी है, ऐसा तो नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सके राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, दिस इज द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर for the case of three types of material। number one, this is the metal, overlapping is there right। here this is the structure of semiconductor, usko pehle samjhaya, dusra aur ek teesra bhi samjha diya right। now this is the insulator, insulator mein conduction kyun nahi milta, samajh mein aa gaya, ye electron ko yahan par pahunchne mein zyada energy chahiye, that's why clear and cut, aayi baat samajh gaye, that's it my dear bachcha badi। to aaj ke liye itna kaafi hai, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, रीड करते रहिए, समझते रहिए और फिजिक्स को मजबूत बनाते रहिए। आपका काम वही है जो हेल्दी हेल्दी चैप्टर है उसमें से मार्क्स बनाओ और आपका रिजल्ट एकदम से इंप्रूव करो राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।